हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया कुकिंग रेसिपीज। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों की पसंदीदा नारियल की चटनी। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम नारियल लिया है, ये मैंने कच्चा नारियल लिया था और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे नारियल को ऐड कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है और यहाँ पे मैंने 50 ग्राम से भी थोड़ा सा कम चना दाल लिया है, जिसको मैंने 6 घंटे भिगोने के लिए रख दिया था। ये फूल गया अच्छे से, तो अब मैंने इसको इसमें ऐड कर लिया। अब हमने इसमें मिर्ची अदरक दोनों ऐड कर लिया है और जार को अब हम बंद करेंगे और इसको एक बार ही ग्राइंड करेंगे। तो ये हमारा फुल प्रोसेस नहीं है, अभी हम और आगे इसका प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा ग्राइंड हुआ है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही मीठा होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा दही इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसको एक बारीक से और ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, जो चटनी का हमारा कंसिस्टेंसी है बहुत अच्छा आया है। और अब हम इसका लास्ट स्टेज है, जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा, वो है नमक। इसके बिना तो चटनी अधूरी ही है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार और इसके बाद एक बार फिर से इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी नारियल की चटनी। बहुत लोग इसे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप इसे ऐसे खाना पसंद करते हैं तो ये एकदम रेडी हो चुकी है। लेकिन अगर आपको तड़के वाली चीज़ ज़्यादा पसंद है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, नारियल की चटनी में तड़का लगाना इम्पॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसे एक बाउल में रख लिया है। बाउल में रख लेने के बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। और यहाँ पे तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे नॉनस्टिक कलछी यहाँ पे गर्म होने के लिए रखा है। और अब हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे, यानी कि एक चुटकी। और इसके बाद हम एक छोटा चम्मच इसमें ड्राई डालेंगे, यानी कि काला सरसों। काला सरसों का जो फ्लेवर आता है नारियल चटनी में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, इसलिए हम काला सरसों का यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा, यानी कि 1 से 2 लाल मिर्च डालेंगे। आप चाहे तो करी पत्ता भी डाल सकते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो हम तड़का लगा रहे हैं कितने अच्छे से इसमें तड़का जा रहा है और इसका जो भीनी भीनी खुशबू आ रही है, जो कि इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर तड़का लगा दिया है और ये जो हमारा नारियल की चटनी है, जो कि फुल्ली प्रिपेयर्ड हो चुकी है। और अब हम इसे सर्व भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे पराठा, आलू पराठा, लच्छा पराठा, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपने डोसा बनाया है तो ये चटनी बनाना ना ही भूलें। ये चटनी डोसे के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ऐसी रही दोस्तों मेरी आज की रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।